हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने भले ही अपने शुरुआती करियर में कुछ खास कमाल ना किया हो, लेकिन आज के समय में वो बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं। उनके साथ काम करने के लिए डायरेक्टर्स तरसते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि करीना ने 2003 में आई निखिल आडवाणी की सुपरहिट फिल्म कल हो ना हो को रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर फिल्म में करीना को कास्ट करना चाहते थे। इवन मेकर्स ने तो करीना को ध्यान में रखकर फिल्म की कहानी भी लिख ली थी। बात साफ है कि करीना ही फिल्म के लिए पहली पसंद थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि करीना इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए ज्यादा फीस की डिमांड कर रही थी, जिसके बाद करण जौहर को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने करीना को मना कर दिया। और फिर क्या, इस फिल्म में हो गई प्रीति जिंटा की एंट्री। करण ने करीना को इस फिल्म से हटाकर डिंपल गर्ल को ले लिया था। वैसे दोस्तों, ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी तो छा गई थी। फिल्म की कहानी, फिल्म के किरदार, फिल्म के गाने सभी कमाल के थे। इस फिल्म के लिए प्रीति जिंटा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। वेल, वैसे ये कोई पहली बार नहीं था जब बेबो ने ऐसी गलती की हो। इससे पहले जब वो बॉलीवुड में कदम रखने वाली थी तो वो पहले राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार में काम करने वाली थी। फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन फिर उनकी माँ बबीता ने उन्हें जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से ब्रेक देने का मन बनाया और उन्हें कहो ना प्यार से हटा दिया था। लेकिन उस वक्त भी राकेश ने अमीषा पटेल को फिल्म में कास्ट किया और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी, लेकिन रिफ्यूजी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह जा गिरी थी। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।